स्वागत है आज की खास खबर में। आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी और मुहर्रम जो कि अगस्त महीने में आने वाले त्यौहार हैं, सरकार ने क्या निर्देश जारी किया है। इन दोनों त्योहारों में अलग अलग दिए गए निर्देशों के बारे में आज हम आपको बताएंगे बारीकी से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही नई नई ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने जन्माष्टमी की तरह ही गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इन मौकों पर कहीं भी कोई पंडाल, जुलूस या शोभा यात्रा निकालने की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी सख्ती से पालन कराया जाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही आने वाले त्यौहार गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी पूजा पंडाल में कोई भी मूर्ति स्थापित न की जाए और न ही कहीं शोभा यात्रा की अनुमति दी जाए। इसी तरह मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस व ताजिया की अनुमति न दी जाए। अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पीस कमेटी की बैठकें करें और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं से भी पूरा सहयोग लें। इसके लिए संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करके सघन चेकिंग कराई जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ एकत्रित ना हो पाए। खासकर सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग हो और माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं गृह विभाग के निर्देशों के बाद सभी जिलों के डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों पर अपने अपने घरों में पूजा उपासना करें, सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा ना हो। इस दौरान फेस कवर और फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन हो। स्वतंत्रता दिवस पर भी राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम हो। निजी तौर पर आयोजित होने वाले समारोह में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने गणेश चतुर्थी और मुहर्रम में बड़ी मूर्तियां और ताजियां बनाने वालों पर क्या आदेश जारी किया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि अगर प्रदेश में कोरोना को खत्म करना है तो उसकी चेन तोड़नी होगी। इसके लिए जरूरी है कि गणेश उत्सव और मुहर्रम में सार्वजनिक आयोजन और समागम ना किए जाएं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि देखें कि कहीं गणपति की बड़ी मूर्तियां और ताजिया तो नहीं बन रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा कर रहे थे। सीएम का 7 दिन का होम आइसोलेशन बुधवार को ही समाप्त हुआ। वो कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद सीएम हाउस में ही आइसोलेशन पर थे। वीडियो के आखिर में आइए जानते हैं कि सीएम ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि धार्मिक कार्यक्रम घरों में ही हों। जेलों में फैल रहे संक्रमण को गंभीरता से लेने के लिए इसकी रोकथाम के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और फ्रंटलाइन पर काम कर रहे शासकीय सेवकों को संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।